अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरे ख्वाब और इसकी इस्लामिक ताबीर। आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि ख्वाब में मुख्तलिफ आवाज़ें सुनना कैसा है। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों और जानवरों का ख्वाब में आवाज़ें देना इसके लिए गमों मुसीबत की दलील है। अगर देखिए कि दूर की जगह से कोई आवाज़ आती है तो दलील है कि वो जल्द मरेगा, और अगर साहिब ख्वाब देखिए कि इसने जानवरों की आवाज़ का जवाब नहीं दिया तो दलील है कि वो बीमार होगा, और अगर कोई देखिए कि इसने रोने की आवाज़ सुनी है तो दलील है कि वो खुश होगा यानी खुशी की बात सुनेगा, और अगर इसने कहके की आवाज़ सुनी है तो ये कोई नाखुशी वाली या दुखी बात सुनेगा, और अगर इसने कोई गिरियाजारी की आवाज़ सुनी है तो दलील है कि इसकी मुराद पूरी होगी और वो दुश्मन पे फतह पाएगा, और अगर इसने गाली की आवाज़ सुनी है तो दलील है कि कोई मकरूह बात इस तक पहुँचेगी और वो जल्द ज़ायल हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपका ख्वाब आपके हक में बेहतर करे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल करना हो इस वीडियो के मुतालिक या किसी भी ख्वाब की कोई ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।